पश्चिम बंगाल में जिसके कलकत्ता में जिस तरह से डॉक्टर के साथ घटना हुई उसके बाद पूरे देश में डॉक्टर के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इस समय हम इंदौर के MY हॉस्पिटल की OPD में खड़े हुए हैं और यहाँ पर सैकड़ों जूनियर और सीनियर डॉक्टर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हाथों पर पट्टी बांध कर यह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आप देख सकते हो बड़ी संख्या में यहाँ पर डॉक्टर मौजूद है जो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। आप देख सकते हो बड़ी संख्या में यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, किया जा रहा है, प्रोटेस्ट किया जा रहा है। कई तरह की मांग है जिसको लेकर यह पूरा प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे साथ कुछ डॉक्टर मौजूद है, किस तरह से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है? देखिए RG मेडिकल कॉलेज में जो भी हादसा हुआ है उसको लेकर ये प्रोटेस्ट की जा रही है। ये प्रोटेस्ट 12 तारीख से हमने चालू करी थी और आज भी ये प्रोटेस्ट जारी है और आगे भी चलती रहेगी, क्योंकि वहाँ पर जो 9 तारीख को हादसा हुआ वो भी बहुत दर्दनाक हादसा था और उसके बाद 14 अगस्त की रात को जो वहाँ 1000 से 1500 लोग गए और उन्होंने वहाँ पर तोड़फोड़ की, एविडेंस के साथ टेम्पर किया है, उससे भी हमें उसका भी जवाब चाहिए कि वो भी क्यों किया गया है। और ये प्रोटेस्ट अभी सिर्फ पेशेंट के हित में उनकी सुविधाओं को ध्यान रखते हुए हमने सिर्फ OPD सर्विसेज हॉल्ट करी हैं, लेकिन अगर ये चीज़ आगे इसमें हमें न्याय नहीं मिलता है, सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं लेती है, तो इमरजेंसी सर्विसेज भी हॉल्ट की जाएंगी। और आज शाम में 7 बजे कांच वाले गेट MY से रीगल स्क्वायर तक हमारा कैंडल मार्च भी है। कल 6 बजे से लेकर 24 घंटे तक हमने सारी सर्विसेज बंद की हैं, लेकिन अगर ये चीज़ बंद नहीं होती है, इस चीज़ में हमें नहीं कुछ भी हमारी सुनवाई होती है, तो आगे इमरजेंसी सर्विसेज भी बंद की जाएंगी। और किस तरह की मांगे हैं आप लोगों की, क्योंकि वहाँ पश्चिम जो कलकत्ता में घटना हुई उसको देखते हुए और क्या मांग कर सकते हो? हमारी बेसिक मांग उसी इंसिडेंस को ध्यान में रखते हुए है कि हमें वहाँ पे जो हत्यारे हैं उनको पकड़ें और जल्द से जल्द न्याय दें। और दूसरा, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जो सिर्फ कागजों में है, एप्लीकेशन में नहीं है, जो सेफ्टी सिर्फ कागजों में दर्शाई जाती है उसको एप्लीकेशन में सिक्योरिटी इंक्रीज करके, गार्ड्स इंक्रीज करके उसको इंश्योर किया जाए कि महिलाएं अपनी वर्क प्लेस पर ही नहीं सड़कों पर चलने में भी सेफ और सुरक्षित महसूस करें। जिस तरह से एक महिला के साथ वहां पर हरकत हुई, एक लेडी डॉक्टर के साथ हरकत हुई, क्या और भी कई जगह इस तरह से डॉक्टर के साथ कुछ हो सकता है ऐसा अनुमान? बिल्कुल हो सकता है। वो ये घटना इतनी गंभीर थी कि वापस ऊपर निकल कर मीडिया में आ गई, लेकिन बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई होंगी जो मीडिया में नहीं पहुंची होंगी, जो आपको नहीं पता, हमें नहीं पता, और आए दिन हमारे साथ क्या होता है उसको भी हम डिस्क्राइब नहीं करते, छोटी-छोटी बातें हम नहीं बताते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो घटनाएं नहीं है ना। लेकिन पश्चिम जो कलकत्ता सरकार है वो बोल रही जांच हो रही, कार्रवाई हो रही है, जल्द आरोपियों को गिरफ्तार, कितने आश्वस्त दिखते हो आप? क्या कार्रवाई हो रही है आप बताइए ना, मतलब CBI को केस हैंड ओवर करने के बाद में अगर एविडेंस सीन को टेम्पर किया गया है तो क्या कार्रवाई हो रही है? उसको सील कर दिया जाना चाहिए था। क्या कार्रवाई हो रही है? न्याय कहाँ मिल रहा है? कौन आगे प्रोग्रेस कर रहा है? ये हमें भी तो पता चलना चाहिए, यही हमारा सवाल है। प्रोटेस्ट इसी के लिए है, हमारे बेसिक नीड्स के लिए बिल्कुल प्रोटेस्ट नहीं है। आप देख सकते हो जो लेडी डॉक्टर हैं इनको काफ़ी गुस्सा है और लगातार विरोध प्रदर्शन की बात की जा रही है, विभिन्न मांगों की बात की जा रही है, साथ ही चेतावनी भी दी जा रही है कि आने वाले दिनों में यदि हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होता है, जो कलकत्ता में घटना घटित हुई है उसको न्याय नहीं मिलता है, तो और गंभीर उग्र विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इंदौर से TV9 भारतवर्ष के लिए संदीप मिश्रा।